इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ साइंस की बुक का चैप्टर सेवन, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एनिमल्स जानवर किस तरीके से इस क्लाइमेट में रहना सीख लेते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है रहना सीख लेना। तो आपने आपको याद होगा काफ़ी सारी चीज़ें, व्हेन यू वर आस्क्ड टू पिक, व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन, मतलब अगर कहीं आप लोग हिल स्टेशन या फिर ठंडे जगह पर घूमने जाते होंगे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। स्काई जो है, जो आसमान है उसमें काफ़ी मतलब बादल से होते हैं। आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भाई अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। आपने अपने एल्डर्स से सुना होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स से कि वेदर जो होता है ना, डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ऑफ फैमिली फंक्शन, कि भाई मौसम का हालचाल कैसे रहेंगे, कि अगर कोई फंक्शन रखना है तो मौसम कैसा रहेगा वो भी हमें देख लेना चाहिए। आपने एक्सपर्ट को डिस्कस करते हुए सुना होगा कि वेदर मौसम कैसा है किसी गेम से पहले, बट ये मौसम चीज़ क्या है, ये होता क्या है। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, वेदर का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है गेम पर, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर। हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं वेदर के बारे में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रेडियो में पढ़ते हैं, बट वेदर होता क्या है। तो देखिए, वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट्स कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। तो टेम्परेचर, गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी कितनी है, रेनफॉल, बारिश है पिछले 24 घंटों में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। तो वेदर क्या होता है कि पूरे दिन में 24 आवर्स में हमारा मौसम कैसा है, किस घंटे में कितना टेम्परेचर है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड कितनी है और बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ह्यूमिडिटी एज यू नो इज द मॉइस्चर, मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, हवा में कितनी नमी है वो ह्यूमिडिटी होती है। तो वेदर रिपोर्ट्स हम लोगों को बताती हैं और इसको प्रिपेयर कौन करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो टेम्परेचर का, विंड का, इन सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करता है और वेदर को, हमारे मौसम को प्रिडिक्ट करता है। तो आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह मेजर करके लिखना है। तो रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल आप लोग किससे मेजर करते हैं, रेनफॉल को, कितनी बारिश पड़ी है कितनी नहीं पड़ी है, ये रेन गॉज, रेन गॉज एक ना वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे पता लगता है कि कितनी बारिश पड़ी है। अमाउंट ऑफ रेन इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। एक मेजरिंग सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, इसके टॉप पे ना एक फनल जैसा लगा होता है, टॉप पे इसके फनल जैसा लगा होता है और ये मेजर करता है कि वाटर कितना गिरा है, ठीक है। ये हम लोगों को 7 दिन तक करना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये वाला जो है ना एक्टिविटी है ये, कि मतलब 7 दिन तक आप लोग, दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, सबसे कम कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो ये वाली जो चीज़ है ये एक आपको एक्टिविटी टाइप की करने के लिए बोला गया है। तो हमने अगर पूरे हफ्ते हम देखें, हम टेम्परेचर देखें कि मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है। तो डे टू डे कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड हो गई, इस सबको हम लोग कहते हैं कि ये किसी भी जगह का वेदर है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो वेदर क्या होता है किसी भी प्लेस का, जो डे टू डे, डेली रोज़मर्रा की जो एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की रोज़मर्रा की जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड, जो डेली हमारी की, हमारी जो डेली चल रही है उस चीज़ को हम लोग वेदर कहते हैं। तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे ना एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। मतलब आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों को नापने के बाद हम बताते हैं कि वेदर कैसा है। तो वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ठीक है। तो वेदर जो है ना वो, मतलब मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता रहता है, कि आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी नमी है ना, तो ये डेली फिनोमिना है, रोज़ बदलता रहता है। वेदर सच अ कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है दैट इट कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर 10 मिनट में भी वेदर चेंज हो सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, मतलब सूरज निकल रहा है सुबह मस्त एकदम, फिर एकदम से बादल आ जाएंगे और फिर कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि
बारिश कहाँ से शुरू हो गई, तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल सा ये फिनोमेना है। हैवी रेन भी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, 5 मिनट में एक खूब तेज बारिश पड़ी बिल्कुल गायब फिर उसके बाद, है ना। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपने करे होंगे, तो इसलिए वेदर को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 3 अगस्त 2006 से लेकर के शिलोंग मेघालय का 7.2 में टेम्परेचर हमें मेजर करके दिखाया गया है। ग्राफ में प्लॉट कर दिया हम लोगों ने, देखिए 3 तारीख को डेट 3 है तो टेम्परेचर 26 डिग्री है, फिर 4 को 23 डिग्री हो गया है, फिर उसके बाद 5 को 25 हो गया। तो इस तरीके से देखिए डेली के डेली कितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो हमें क्लियर समझ में आ गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना वो डेली के डेली रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद ही हम लोग कुछ पता लगा पाते हैं। तो देखिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं इस पर्पस के लिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, मतलब एक मैक्सिमम थर्मोमीटर होगा वो हमें बताएगा कि दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना रहा, एक मिनिमम थर्मोमीटर होगा जो बताएगा दिन का सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना दिन में वो ज्यादातर दोपहर के टाइम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, ठीक है, वाइल मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है। सबसे ठंडा ठंडा मौसम सुबह होता है, सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर में होती है, ठीक हो गया। अब हमें देखिए यहां पे बताया गया है कि सारे के सारे चेंजेस इन द वेदर आर कॉज बाय सन, भाई हमारी जो धरती एग्जिस्ट कर रही है ना वो सन की वजह से कर रही है, क्योंकि जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म है हमें एनर्जी सन से ही तो मिलती है। खाना कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं, किसकी मदद से? सन की मदद से। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम जानवर खा लेंगे, जानवर तो प्लांट ही खाएंगे ना, डियर प्लांट को खाएगा तभी तो शेर डियर को खाएगा या आप डियर को खाओगे। जब तक प्लांट ही नहीं होंगे, सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। तो जो सन है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। सन क्या है? इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैस, बट सन में तो बहुत सारी गैसेस हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। अर्थ से सन का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोगों को सन की इतनी ज़्यादा हीट एंड लाइट महसूस नहीं होती, फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी हर जो प्राइमरी सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है सन ही, और वेदर जब हम अर्थ सन से घूम घूम घूमते हुए अर्थ सन से दूर चली जाती है तो ठंड हो जाती है, जब पास आ जाती है तो गर्मी हो जाती है, ठीक है। यही सब इसमें था। तो व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली। सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, हम देखते हैं कि जल्दी से वो हो जाती है, रात हो जाती है और दिन काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो भाई देखिए ये ऐसा होता है ना, हम लोगों का जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है ना, इसका आंसर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है, क्योंकि अर्थ जो है ना वो सन के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है और अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी गोल 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 घूमती है। इस तरीके से जैसे कि आप अपने एक जगह पर गोल 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 घूम रहे हो, गोल गोल घूमते घूमते आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से मतलब आप अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रहे हैं और गोल गोल घूमते घूमते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्थ ना इस तरीके से ही हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं। अब आता है क्लाइमेट। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो अब देखिए मेट्रोलॉजिस्ट जो है ना वेदर को, मेट्रोलॉजिस्ट हमने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि वो क्या करते हैं, डेली का वेदर नोट करते हैं। ये वेदर जब लगभग 25 से 30 साल तक हम लगातार नोट करते रहते हैं ना, तब हम बता पाते हैं कि अच्छा इस जगह पर ऐसा क्लाइमेट होता है, मतलब इस महीने में सर्दी पड़ेगी, आगे महीनों में गर्मी पड़ेगी। ये हमें कैसे पता लगता है? जब हमने कई सालों तक वेदर की कंडीशंस को डेली के डेली नोटिस किया, उसके बाद हमने उनका एवरेज निकाला, फिर हमें पता लगा कि अच्छा क्लाइमेट ऐसे चेंज होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो हमें उस जगह का क्लाइमेट पता लग जाता है जब हम वेदर की कंडीशन को कई सालों तक नापते रहते हैं। इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमें लगता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा हाई रहता है, टेम्परेचर हाई होने का मतलब है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। हाई टेम्परेचर है किसी जगह का, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसका मतलब है कि वो जगह हॉट है, ठीक है। इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेन ऑन ऑलमोस्ट ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, मतलब गर्मी भी बहुत पड़ रही है और बारिश भी बहुत पड़ रही है, तो क्लाइमेट हॉट एंड वेट हो जाएगा। अगर क्लाइमेट हम लोग को देखिए जैसे
7.23, ये श्रीनगर का दिया हुआ है, तिरुवनंतपुरम का। श्रीनगर में खूब पेल की ठंड पड़ती है, माइनस खूब ठंड, और यहाँ पे गर्मी पड़ती है केरला में। तो हमें पता लगता है दो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं वो। तो मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप्स, ठीक है। मीन टेम्परेचर कि एक महीने में एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा, ये दो स्टेप में हम लोग पता करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब पूरे के पूरे मंथ में कितना टेम्परेचर आया है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालना आप लोगों ने सीख लिया होगा कि जितना भी जितने भी सारे नंबर होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं गिन के कि कितने हैं। सपोज करिए कि इन सबको, ये जो भी आया डेली मिनिमम टेम्परेचर, इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे। फिर ये कितने हैं, 1, 2, मतलब 12 महीने है ना, तो टोटल इन सबको ऐड करने के बाद 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा जो भी होगा। ठीक हो गया, ऐसे करते हैं। तो पहला स्टेप है हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं सारे के सारे टेम्परेचर्स का एक पर्टिकुलर महीने में। सेकेंड हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर का ओवर मेनी ईयर्स, एक पर्टिकुलर महीने में क्या टेम्परेचर रहा और कई सालों तक उस महीने में क्या टेम्परेचर रहा होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि किसी भी जगह का हम लोग टेम्परेचर या क्लाइमेट के हिसाब से वहां पे कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो हम लोगों को इससे पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, केरला में गर्मी पड़ती है। मॉडरेटली हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, मॉडरेटली हॉट ही रहता है, हमेशा गर्म ही रहता है केरला थ्रू आउट द ईयर। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान है ना, हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, उसका ज़्यादातर ना दिन का टेम्परेचर जो है ना हमेशा हाई ही रहता है। विंटर के टाइम में भी वहाँ में जो टेम्परेचर है विच लास्ट ओनली अ फ्यू मंथ्स, द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। गर्मी पड़ती है तो हॉट, और बारिश बहुत ज़्यादा कम पड़ती है तो वो ड्राई है, ठीक है। तो हमारा राजस्थान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई टाइप का है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है, इसलिए जो नॉर्थ वेस्ट है ना, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, तो वो काफ़ी वेट क्लाइमेट है। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेट टाइप है। अब क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, क्लाइमेट मतलब हमारा जो मौसम किस तरीके का चल रहा है और हम उसमें किस तरीके से रह पा रहे हैं, उसको हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है सारे के सारे जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन पर। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, एनिमल्स को ना आदत पड़ जाती है उन जगह पर रहने की जिन जगहों पर वो रह रहे होते हैं। एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरमेंट में भी है, बहुत ज़्यादा क्लोज कोल्ड ठंडे गर्म एनवायरनमेंट में जो रह रहे होते हैं ना, तो उनके अलग अलग फीचर्स वो अपना अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या उनके फीचर्स हैं, उनकी कैसी हैबिट्स हो जाती हैं, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से किस तरीके से वो सीख लेते हैं चीज़ों को, वो हम देखेंगे। चैप्टर 9 में हम लोग वेदर का इफेक्ट क्लाइमेट पर और मिट्टी पर देखेंगे, ठीक है। और एनिमल्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स पे क्लाइमेट वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है। और यू हैव रेड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किस तरीके से रहना सीख जाते हैं। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर हैबिटाट में, हैबिटाट का मतलब होता है किस जगह पर एनिमल रह रहा होता है, उसको रहने की कैसे वहाँ पर आदत पड़ जाती है, ठीक है। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस, वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर एंड ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग जो पोलर रीजन मतलब खूब ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं, और रेन फॉरेस्ट मतलब खूब बारिश वाले इलाकों में जो रहते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। कुछ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो फेमस हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये पोलर रीजन्स में आते हैं। और कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इंडिया भी एक एग्जाम्पल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं।